हांसी पुलिस की एसपी मैडम नीतिका गहलोत ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी है। बता दें कि कई दिनों से एक मामला हांसी शहर में गूंज रहा था। बता दें ये किसी 4 किलो की मूर्ति का मामला था जो यूपी से कुछ लोग हांसी लेकर आए थे और इसे बेचने के लिए। इसके बाद जब सुनार को इसका सैंपल दिया गया तो सुनार ने बताया कि ये सैंपल असली है, लेकिन जब पुलिस के पास ये मूर्ति जाती है तो उस मूर्ति को पिघला दिया जाता है और पिघला कर उसके सोने के बिस्कुट बनवा दिए जाते हैं। इस पूरी भूमिका में जो CIA स्टाफ 2 की टीम है उस पर सवालिया निशान खड़ा होता है, यहाँ तक कि मैडम नीतिका गहलोत पर भी यहाँ सवाल खड़ा होता है। आज इसी बारे में मैडम नीतिका गहलोत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी है। आखिर क्या है ये पूरा मामला जान लेते हैं मैडम नीतिका गहलोत की इस PC में। इंडिया न्यूज हरियाणा के लिए मैं अनुराग सिंह। हमारे पास IG साहब के कार्यालय से 9/3/2023 को एक दरख्वास्त प्राप्त हुई जो कि मेरे नाम पे मांग हुई थी और उसमें IG साहब के आदेश थे कि इस मैटर को देखा जाए और जो भी नियमानुसार है वो कार्रवाई करी जाए। मैंने आगे विनोद शंकर जो हमारे DSP हेडक्वार्टर है उनकी ड्यूटी लगाई है कि इस मामले की पूरी गहनता से जांच करें और जो CIA हमारी CIA के ऊपर जो भी आरोप हैं उनकी भी गहनता से जांच करें। तो जांच शुरू होने के बाद हमने जो इसमें एक विवेक सुनार है सबसे पहले हमने उसको बुलाया। उस सुनार ने हमें बयान दिए और उसने हमें पूरा बताया कि कैसे एक यूपी से एक टटलू गैंग आता है, उसमें 4 या 5 व्यक्ति होते हैं जिसमें एक बुजुर्ग व्यक्ति है, करीबन उसकी 75 उम्र है, रामदास है, बाबा रामदास, दूसरा नाम है बबलू, तीसरा नाम है विमलेश, चौथा नाम है सरविंदर और पांचवा नाम है राविंदर। ये 5 लोग आते हैं और ये यहाँ के हांसी के एक सुनार को बबलू नाम के व्यक्ति के थ्रू कांटेक्ट करते हैं क्योंकि बबलू और सुनार पहले से आपस में जानकारी थी। तो बबलू नाम के व्यक्ति के थ्रू कॉन्टैक्ट करते हैं और इन्हें कहते हैं कि हमें खुदाई में एक मूर्ति मिली है और हमें इसको बेचना है। तो जैसे कि सुनार को पहले भी एक सैंपल भेजा गया, बबलू के द्वारा ही भेजा गया, बबलू आपके सामने है, बबलू के द्वारा एक सैंपल भेजा गया, सुनार ने वो रिपोर्ट में बताया कि ये 100% सोने की मूर्ति है, सोने का सैंपल है। उसके बाद इन लोगों ने बबलू के माध्यम से ही सुनार को दिल्ली में बुलाया, दिल्ली यूपी बुलाया लेकिन दिल्ली में ये लोग मिले। हाँ, तो यूपी बुलाया, इन्होंने कहा कि आप पैसे लेके यहाँ पे आ जाओ, अगर ये तो मूर्ति हमने आपको सैंपल तो दिखाया ही है, ये मूर्ति असली है तो आप पैसे लेके आ जाइए। तो ये विवेक सुनार एक और बंदे के साथ लेके यूपी चले गए। वहाँ पे इन्होंने जो विवेक हमें बता रहे हैं कि इन्होंने मूर्ति को नहीं देखा मूर्ति, लेकिन जो ये 5 व्यक्ति हैं उन्होंने एक फिर से इनको एक सैंपल दिया छोटा सा कि आप ये चेक कर लो, ये हमने मूर्ति में से ही निकाला है और ये सैंपल असली है या नकली है। विवेक ने जैसे ही उन्होंने सैंपल लिया और लैब रिपोर्ट उन्होंने दी और उन्होंने कहा कि जी ये इनकी गोल्ड का सैंपल है, ये मूर्ति ठीक है। फिर विवेक को कुछ शक हुआ, विवेक ने क्योंकि विवेक जैसा बता रहे हैं कि बाबा और ये जो 4-5 व्यक्ति हैं ये आपस में लड़ाई करने लग गए कि आपने विवेक को बिना पैसे के क्यों बुलाया, हमारा टाइम वेस्ट हो गया, इस तरीके की कोई बात है। तो विवेक को ये संदिग्ध लगा, शक हुआ, तो इन्होंने कहा मैं अभी मूर्ति नहीं लूँगा, मैं हांसी में दोबारा अपने यहाँ पे चेक करूँगा, अपनी लैब रिपोर्ट में चेक करूँगा। तो इनको फिर दोबारा विवेक जो सुनार है उसके द्वारा हांसी लेके आया गया। बबलू इस बात की पुष्टि कर रहे हैं, बबलू भी इनके साथ थे और बबलू और विवेक हांसी आ गए। हांसी जैसे ही ये आए तो इनकी मुलाकात हांसी बस स्टैंड पे हुई। जैसे ही बबलू और विवेक को इन 5 व्यक्तियों ने देखा तो वो संदिग्ध तरीके से अपनी बिहेवियर करने लग गए और इधर उधर हो गए। उनको शायद लगा क्या लगा कि पुलिस को सूचना हो गई या क्या है। उसके बाद उन्होंने
फ्ली करने की तैयारी करी तो हमारे यहाँ पे CIA 2 के पास सूचना आई कि कुछ व्यक्ति इस प्रकार की हरकत में है कि वो यहाँ पे मूर्ति, कोई सोने की मूर्ति है जो नकली मूर्ति है, वो सोने की बता के बेचने का कार्य करते हैं। क्योंकि आपको पता होगा हांसी हिसार में हर साल 6 महीने में इस प्रकार के टटलू व्यक्ति साल 6 महीने इस प्रकार के व्यक्ति जो 420 ठगी करने का काम करते हैं आते रहते हैं। तो CIA को जैसे ही सूचना मिली इनको CIA ने नैप किया, नैप करके इनसे मूर्ति जब्त करी, जब्त करके उसको 102 में कब्जे में लिया। अब बात आई कि मूर्ति को पता कैसे चले, मूर्ति हर जगह से खुदी हुई थी, बार बार उस पर पंक्चर हुआ था जो ये अपेयरेंस में बताते हैं। और मेरे पास फोटो भी है जो इसकी ओरिजिनल मूर्ति है जो CIA में आई थी, उसकी फोटो है, उसमें आप देखेंगे तो बार बार पंक्चर हुआ है और ऐसे लग रहा है कि सफ़ेद, मतलब देखने से पता चलता है कि ये मूर्ति सोने की नहीं है। तो जैसे ही CIA को संदिग्ध लगी तो ये लोग विवेक सुनार के पास दोबारा से गए और विवेक सुनार के सामने ये मूर्ति प्रस्तुत की और उन्होंने बताया कि आप इसका बताइए ये मूर्ति असली है या नकली है, ये लोग तो आपके कहने पे यहाँ पे आए थे। तो विवेक सुनार ने, जैसे कि उन्होंने हमें अभी बयान दिया है, विवेक सुनार ने बताया कि ये मूर्ति तो पिघला के ही पता चल जाएगा असली है नकली है, क्योंकि इसकी कई बार हमारे पास ऐसा होता है नकली माल होता है, परत पीतल की होती है, पता नहीं चलता। तो विवेक सुनार के पास जब CIA गई, कौन सी तारीख को, ये कौन सी डेट है, 22 या 23 जनवरी को विवेक सुनार के पास उसी दिन CIA 2 घंटे में पहुंच गई और उन्होंने कहा कि आप बताइए विवेक सुनार की ये लैब रिपोर्ट है। अब इस लैब रिपोर्ट में आप ये देखेंगे कि गोल्ड प्योरिटी नहीं है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे 12 या 13 ऐसे मेटल्स की कॉम्पोजिशन इस लैब रिपोर्ट में है, ये कंप्यूटराइज लैब रिपोर्ट होती है, 12 या 13 मेटल्स की कॉम्पोजिशन भी उन्होंने परसेंटेज वाइज उस मूर्ति की दी है कि ये इसमें ये मेटल्स है। हो गई बात क्लियर, कॉम्पोजिशन भी है और लैब रिपोर्ट भी है कि 0% गोल्ड प्योरिटी है। अब क्योंकि ये 0% गोल्ड प्योरिटी की रिपोर्ट आई थी तो CIA को पता चल गया कि ये नकली मूर्ति है, इनसे पूछताछ करी तुम कैसे लेके आए हो। अब बात ये है कि जो बुजुर्ग व्यक्ति था वो काफी बात करने की हालत में नहीं था, वो बुजुर्ग था, उसकी बात क्योंकि वो यूपी से संबंध रखते थे तो शायद बातचीत ज्यादा हो नहीं पाई और ये लोग मौका देख के भाग भी गए। रामदास से पूछताछ हुई, उन्होंने कुछ हमें बात क्लियर नहीं करी तो ये लोग उसके बाद यूपी चले गए। उसके बाद पुलिस ने जैसे भी कार्रवाई करी 102 में ये मूर्ति कब्जे में, बिस्किट्स कब्जे में लिए, ये बिस्किट्स इन्होंने विवेक ने बनाए हैं, ये बिस्किट जो है ये कब्जे में लिए गए, लैब रिपोर्ट कब्जे में लिए गए और इसमें रपट लिखी गई क्योंकि ये 420 की ठगी करने की कोशिश का मामला है, कोशिश का, क्योंकि किसी के साथ अभी तक ठगी नहीं हुई थी, कोशिश का मामला है, इसलिए इसको आगे वेरीफाई कराया जाएगा और जैसे भी नियमानुसार होगी कार्रवाई होगी। मैं बता दूं कि 400 क्योंकि ठगी अभी तक हमारे पास कोई सबूत नहीं था कि किसी के साथ ठगी है, विवेक सुनार भी उस टाइम तक कुछ बोल ही नहीं रहा था तो हमें ये वेरीफाई करना जरूरी था, अदरवाइज हम कार्रवाई करते। उसके बाद जब इन्होंने कंप्लेंट दी और ये बात मेरे तक पहुंची है तब बात ये आती है कि कहीं ये पुलिस ने तो नहीं बिस्किट्स बना दिए, हो सकता है कि पुलिस ने सोने की मूर्ति हो विवेक सुनार के साथ मिलके बेच दी हो और उसके बाद हमें, मेरे को, सीनियर ऑफिसर्स को दिखाने के लिए या आगे किसी को पूछने के लिए बिस्किट्स तो नहीं बना दिए। तो मेरे को भी इस बात का जरूर शक हुआ और मैंने ये बिस्किट्स जो इन्होंने कब्जे में ले रखे थे, मैंने ये बिस्किट्स इंडिपेंडेंट किसी सुनार के साथ चेक करवाए हैं, DSP साहब ने करवाए हैं मेरे कहने पे और वो सुनार का नाम है संदीप। इनकी लैब रिपोर्ट है 2 महीने बाद की 10/3/2023 की, ये इन बिस्किट्स की लैब रिपोर्ट है, इसमें भी आप देख सकते हैं 0% गोल्ड प्योरिटी है और जो देखने वाली
इस बात को प्रूव करने के लिए कि क्या वो मेटल और ये मूर्ति, ये मेटल और वो मूर्ति सेम है, ये कॉम्पोजिशन 13 मेटल की कॉम्पोजिशन और ये कॉम्पोजिशन एग्जैक्टली सेम है। तो इस बात में मेरे को भी ये सेटिस्फेक्शन हुआ कि पुलिस ने ये नहीं किया है, जैसे कि ये बबलू भाई साहब आरोप लगा रहे थे, जो इनको लग रहा था कि पुलिस ने सोने की मूर्ति बेच दी खाली और उसके बाद ये बिस्किट नकली बना दिए, यही लग रहा था आपको? तो हमने ये चेक कराया और हमने ये कॉम्पोजिशन चेक करी, तो कॉम्पोजिशन में आप देख रहे होते हो जो मेन कॉपर और जिंक के जो एग्जैक्ट सेम कॉम्पोजिशन है। अब मैं आपको बताऊं, अगर कोई भी कहे कि मूर्ति पिघलवा के ऐसा सेम एग्जैक्ट मेटल की कॉम्पोजिशन बना दो, तो कोई नहीं बना सकता अंटिल और अनलेस ये ट्रूथ हो। तो इसलिए ये बात इस बात की पुष्टि करता है जो मूर्ति है और जो मेटल है वो सेम। अब बात ये आती है कहीं ये अष्ट धातु की तो नहीं है, हो सकता है। अब इनके भी आपने बयान देखे होंगे, ये 10 दिन से आपके पास आ रहे हैं, पहले ये कह रहे थे कि जी गोल्ड की है, है ना। अब जब इनको पता चल गया जी पुलिस के पास तो लैब रिपोर्ट है, सारा अपना काम पुलिस ने नियमानुसार करा हुआ है, तो ये किस बात पे आ गए, ये एंटीक तो नहीं है, ये अष्ट धातु तो नहीं है। अष्ट धातु एक्सपर्ट से हमने बात करी है, मुकदमा दर्ज करने के बाद मैं एक्सपर्ट के पास भी ये भेजूंगी, वो पता चल जाएगा अष्ट धातु की है या नहीं है। पर बेसिकली ये अष्ट धातु की इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि इसमें जो मेटल की कॉम्पोजिशन है वो अष्ट धातु की कॉम्पोजिशन से वो मैच नहीं करती है। जो एंटीक की कॉम्पोजिशन है उसमें ऐसे वैल्यूएबल मेटल्स होते हैं जो 200 साल या 100 साल मिट्टी में रहने के बाद भी खराब ना हो। ये मूर्ति उस प्रकार की, ये मेटल और ये मूर्ति जब ये पिघलाई गई उससे पहले की और मेटल की कॉम्पोजिशन उस प्रकार की, सरसरी तौर पे प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में ये लग नहीं रही अष्ट धातु की है। तो ये बात इस बात की पुष्टि करता है ये टटलू गैंग है। हमारे पास एक इंडिपेंडेंट विटनेस है मिस्टर विवेक जी, जो ये ज्वेलर है जिन्होंने ये मूर्ति पिघलाई है, और ये इनके कहने पे ही पुलिस वालों ने ठीक है आप बताइए ये मूर्ति, इन्होंने जैसे कि ये एक्सपर्ट है इन्होंने बताया कि ये मूर्ति पिघला के ही बताया जा सकता है क्योंकि ये मेरे को संदिग्ध लग रही है, इसलिए ये मूर्ति पूरी की पूरी पिघला दी गई है और पुलिस ने इसमें नियमानुसार कार्रवाई कर रखी है। उसके बाद ये आते हैं बबलू जी, ये भी इंडिपेंडेंट विटनेस है। अब ये इनसे मैं आज ही मिली हूँ, ये पता नहीं पहले मैंने मीडिया के माध्यम से सुना कि ये मुझसे मिलना चाह रहे थे और इनसे मिलने नहीं दिया। अब मैंने इनसे जब ये बात पूछी है कि आपसे आप मेरे से मिले क्यों नहीं, तो ये मुझे बता रहे हैं कि जी मेरे को पता नहीं था, मैं चला गया, मैं आया था मेरे को पता नहीं था, ऐसी कोई बात नहीं हुई कि मेरे को मिलने नहीं दिया गया। बट अब मुझे ये जो बता रहे हैं वो ये खुद भी पुष्टि करेंगे, आप इनके मुंह से सुनना चाह रहे हैं या मेरे मुंह से सुनना चाह रहे हैं वो आप देख लीजिए। बट अभी इनकी स्टेटमेंट ये है कि मेरे को पहले नहीं पता था, ये 5 लोग मेरे को भी बेवकूफ बना रहे थे, लेकिन अब किसी है ऊपर नीचे कर करके यहाँ कोई ढूंढते आंटते होंगे बुला है भाई साहब। बबलू कहाँ से मूर्ति लेके आए, जो भी अधिकारी वगैरह जो हैं कौन सी जगह से लेके आए, कार्रवाई होगी तब मानना लग रहे हैं। बाकी मेरे एडीजी साहब से प्रार्थना है, एडीजी साहब ईमानदार अधिकारी बताओ सारे, मैं तो कहूँगा कार्रवाई बिठा दे, जो भी दोषी है चाहे एसपी दोषी हो मिली कहाँ से दोषी हो उधर पुलिस कर्मचारी कैसे मिली, जेल में ठोक दो सारी हासी की जनता नहीं पूरी सारी मान लेगी। जेसी भी चल रही हाँ कई बार देखी सिंगम हमारे खिलाफ उन्होंने उठा के अच्छी बात कह रहे हैं, पुलिस वाला खिलाफ कार्रवाई कर पुलिस वाला रेपटा भी मारे भाई साहब सबके सामने सारी बातें हैं। मैं तो कहना चाहूंगा तुम चेक करवाने के लिए आए थे, जो कार्रवाई करे निष्पक्ष, इसीलिए मेरी मांग है चेक नहीं करवाई आपके जिले में गांव में छोटे मोटे हाथ मारने से कोई पुराना जानकार था बहुत तुम्हारा तो आपको पता है जो आप मूर्ति लेके आई हो इसका जो जमीन से निकलता है वो जरूर इसका वहाँ की गवर्नमेंट का अधिकार होता है, आपने इस बारे में नहीं बताया कि किसी को मूर्ति मिली है। जांच करवानी है हम, जांच करके बता देंगे आपने मिली अगले को तुरंत मुझे बता दी, मैं देख चेक करा के आपको पता नहीं था इस बारे, नहीं मुझे क्या पता ये किस चीज की, जब जमीन से निकलता है उसका अधिकार सरकार का, ये चीज मुझे कहाँ पता था कि ये सरकार की, आप यहाँ बेचने के लिए आए थे चेक कराने के लिए आए थे। अच्छा हाँ जी,
पुराना तो फिर हुआ क्या फिर आपके साथ? उधर से उसने चेक करके बता दिया ठीक है सोने के, मैं घर जा रहे थे, मैंने कहा सोने की बताइए आप। हाँ मैंने कही कहीं किसी दिन मिलेंगे, सरकार में जमा करेंगे तो इनाम मिलेगा। तो हम लोगों ने यहाँ बस स्टैंड पे आए तो उसी सुनार ने CI2 को मिल के और उठवाया और वो ही छुटाने गया फिर। अच्छा, तो तुम्हारी शिकायत उसी सुनार ने? हाँ उसी ने की शिकायत। फिर रात को सब लोगों को पिटाई लगाई बढ़िया करके, सबको खूब मारा, बाबा जी थे उनका एक दांत टूट गया। अच्छा। हाँ फिर मार तोड़ के सबको भगाया, फिर उसी विवेक ने मुझे 3,000 रुपए दिए भाड़े। क्या बोला तुमको? हम देखे तुम घर जाओ, और मैंने इनको 14 लाख दे के छुटाया तुम लोगों को, अब आप घर जाओ और अब यहाँ हरियाणा में मत आना। मैंने तो हमें इन लोगों ने कुछ थे मिलने वाले, बहुत दिन यहाँ काम करते भी रहे यहाँ पर, तो लोगों ने कहा कि ऐसा है, मैंने उनको बताया तो उन्होंने बताया कि ऐसा ही है भाई, मिलवाएंगे तुम्हारी जांच करवाएंगे। तो मैं एक सर से बात बहुत मुश्किल से पहुंचा मनोज के पास। हाँ जी। अच्छा, तो मेरी ये बात। तो कितने दिन पहले का मामला है ये? 12 जनवरी की। 12 जनवरी का है। जो मूर्ति की तस्वीर ले रहे हैं ये कब ली है आपने? 12 जनवरी। ये आपने पहले देने से पहले लिया है? हाँ जी। इसके बाद आपसे CIA ने ये मूर्ति ली है? हाँ जी। तो आपके साथ और कितने लोग थे टोटल? 5 थे। 5 लोग थे। तो आप आज अकेले ही हो आप यहाँ पे? हाँ आज तो अकेले। थैंक यू। लेकिन ऐसा है कि लोग कहते हैं कि हिसाब से कोई पकड़ ले जाएगा, तो हमने कि ले जाएंगे तो CI2 वाले ले जाएंगे, उन्हीं से मेरी और तो कोई छूने वाला है नहीं। अभी डर है आपको किसी का? क्यों नहीं है? अभी डर वाले अगर डरते तो फिर यहाँ आते नहीं, फिर मैंने जो होगा तो देखा जाएगा। थैंक यू।